शो हिट हो गया तो मैं भी लूंगा पनवेल में फार्म हाउस क्या <laughs> यार एक छोटा सा प्यारा सा घर हो जिसमें मेरी वाइफ और मेरे बच्चे पूरी फैमिली खेल रही है कूद रही है खुश है स्वस्थ है और क्या मांगू मैं ऊपर वाले से बस इतना ही हो कि मैं मरते दम तक सबका मनोरंजन करने का मुझे, मुझे मौका मिले दिवाली को सूर्यवंशी आ रही है ये yes. जिसमें आपका सिम्बा दिखेगा आपको मिलेगा थिएटर में दोबारा okay. सवाल अब हां ऑप्शन थे डांस और सवाल आपने पहला डांस मैंने इतने सवाल किए yeah, आज... सवाल जो है हमारे oh, Russell, है तो... आप yes. पूछो यस yes. और पहला सवाल है आ, सना का फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन वो पूछ रही है कि अगर आपको अपनी जिंदगी की बिग पिक्चर पेंट करनी होती तो वो क्या होती मेरी लाइफ की बिग पिक्चर पेंट करनी होती Oh. Hmm. <laughs> <laughs> यार एक छोटा सा प्यारा सा घर हो जिसमें मेरी वाइफ और मेरे बच्चे पूरी फैमिली खेल रही है कूद रही है खुश हैं स्वस्थ हैं um. और उसके आगे और क्या मांगू मैं ऊपर वाले से बस इतना ही हो कि मैं मरते दम तक सबका मनोरंजन करने का मुझे मौका मिले और बस यही है मेरी लाइफ की पिक्चर एक छोटा सा पच्चीस तीस बेडरूम वाला घर हो <laughs> अगला सवाल है प्रियंका का दैनिक भाई <laughs> शो हिट हो गया तो मैं भी लूंगा पनवेल में फार्म हाउस क्या <laughs> Uh, नहीं, नहीं. <laughs> मुंह में घी शक्कर मुंह में घी शक्कर यार बल अगला सवाल है प्रियंका का दैनिक जागरण से कि फिल्म्स के, फिल्म के मुकाबले टेलीविजन का एक्सपीरियंस और प्रोसेस कितना अलग था hmm. यार अलग तो बहुत है मैंने टेलीविजन में तो अभी अभी शुरू किया है शुरू भी नहीं किया लेकिन डिफरेंसेस हैं फिल्म में क्या होता है आपको डाउन टाइम मिलता है कभी आप बैठ सकते हो आराम कर सकते हो खाना खा सकते हो यहाँ पे भैया बहुत काम होता है आठ बजे आओ आठ बजे जाओ तो उस बारह घंटे के अंदर काम बहुत डेंस होता है बैठने को नहीं खाने को नहीं सांस लेने को टाइम नहीं रहता है फिल्मों में क्या होता है एक कैरेक्टर का कवच मिलता है हमको यहाँ पे यू आर योर ओन एंड यू आर योर सेल्फ इन योर ओन पर्सोना दैट्स द ग्रेट बिग डिफरेंस वहाँ पे आपके लिए लाइंस लिखी जाती हैं यहाँ पे तो मोस्टली अनस्क्रिप्टेड ही होता है तो आपको स्पॉन्टेनियस हाजिर जवाब रहना पड़ता है उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है और 110 स्विच ऑफ द टाइम रहना पड़ता है तो मैं फिल्मों से ज्यादा मुश्किल है टेलीविजन का काम और साथ में इनियर भी तो है जो इनियर है। हमारे साथ बात करते रहता जब हम बात कर रहे हैं इनियर है खुजली होगी तो फिर क्या है <laughs> right, अगला सवाल प्रियंका का ही है दैनिक जागरण से एक और सवाल है उनका आप एक मेथड मेथड एक्टर हो हर किरदार के लिए जी जान लगा के करते हो होस्टिंग करने के लिए कितना आई थिंक ये सवाल थोड़ा थोड़ा ऑफ है क्योंकि अक्सर क्या होता है मेथड एक्टिंग लोग पूरी तरह से समझते नहीं है आई थिंक इट्स यूज लूजली पूरी तरह से लोग एक्चुअली समझ में नहीं उनको मेथड एक्टिंग क्या होता है मतलब जस्ट बिकॉज एक क्रिएटिव इंडिविजुअल का एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है और वो होमवर्क करता है प्रिपेयर करता है उसका नहीं उसका मतलब मेथड एक्टिंग नहीं होता मेथड एक्टिंग आई वुड से अगर शॉर्ट में बताऊं तो इट्स इज जस्ट अ सेट ऑफ गिव्स यू अ सेट ऑफ टूल्स विद विच यू कैन जनरेट इमोशंस एटसेट्रा हाँ हर कोई जो होमवर्क करता है या प्रेप करता है उसको मेथड एक्टर नहीं कहते हम बट टू आंसर योर क्वेश्चन मैंने होमवर्क किया है प्रिपेयर किया है इतना बड़ा शो है ऐसे नहीं कि मतलब जस्ट लैंड अप ऑन द डे एंड विंग इट बहुत होमवर्क किया हम लोगों ने प्रैक्टिस करी ये पूरा रिग लगाया था हम लोग ने मॉक सेशंस किए बहुत बार गेम खेला थोड़ा मतलब टू गेट अ फील ऑफ थिंग्स जो बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में वो होमवर्क करने वाला बच्चा होता है ना और मैं फाइनली लाइफ में गुड बॉय बन गया हूँ तो मैंने की जम के होमवर्क की इस शो के लिए का लड़का एकदम फुल गुड बॉय होमवर्क वाला स्टूडियस बच्चा बन गया है, बट आई विल वाउच फॉर दिस को हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं रणवीर अगला सवाल है फ्रॉम मिड डे टेलीविजन में डेब्यू करने के लिए आपने क्विज शो ही क्यों चुना दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा छे साल से मुझे ऑफर्स आते रहे Uh, अलग अलग चैनल से अलग प्रोड्यूसर्स अलग फॉर्मेट्स इंटरनेशनल फॉर्मेट्स कुछ एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स उन्होंने कहा कि आप अब आप ये होस्ट करो uh, पर बात नहीं बन रही थी और सिर्फ क्विज शो नहीं अलग अलग टाइप के शोज़ सम वो गुड बट वो वाली बात नहीं थी पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ना क्विज शोज बहुत पसंद है मैं हर एक क्विज शो देखता था यार एक आता था हमारे इन केबल पे एक आता था इन केबल पे संडे ब्रिटानिया फिफ्टी फिफ्टी टेली हाउजी हाँ। हाँ। <laughs> उसमें भी सवाल होते थे फिर वो क्या था टेरिक ओब्रायन साहब जो होस्ट करते थे <laughs> क्विज़ कांटेस्ट टिंग 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 टिंग, टिंग, टिंग 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 मैंने क्वालिफाई भी किया था बोनवीटा क्विज़ कॉन्टेस्ट के लिए मेरी जीके भी बहुत हार्ड है तो बचपन से मुझे क्विज शोज से फैसिनेशन है आई रियली इन्जॉय वॉचिंग दम मतलब इंटरक्टिव होता है ना फिर पूरी फैमिली बैठी होती है साथ में सवाल पूछा जाता है यहाँ पे डिस्कशन होता है टीवी पे कुछ और ड्रामा चल रहा है इट्स इंटरेस्ट वो कंटेस्टेंट कैसे नेविगेट करेगा उसको पता है नहीं पता है क्या डिसीजन लेगा कंटेस्टेंट यहाँ फैमिली के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि क्या है तुमको पता है तुम्हारा गलत है मैं सही हूँ मतलब ये सब द वाइब जो होता है ना पूरा क्विज शो का मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है तो जब ये फॉर्मेट आया ये अपॉर्चुनिटी आई आई थिंक इट जम्प्ट आउट एट मी एंड इट वाज द राइट वन एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हियर टुडे एंड व्हाट डेस्टिनी यू 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 वर नो ट्राइंग टू पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन इन अ अ क्विज क्विज शो शो एंड हियर आर होस्टिंग इंडिया का सबसे अनोखा क्विज शो सो कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल द बेस्ट टू यू थैंक यू अगला सवाल है इलाका फ्रॉम आईएएनएस इशू का फॉर्मेट क्या है और ये दूसरे क्विज शो से कितना अलग है हम्म बताओ यार आम, ये मुझे लगता है यूनिक है अनोखा है इसीलिए क्योंकि ये विजुअल बेस्ड कुछ शो है और हम विजुअल एरा में रह रहे हैं सबके पास अब मोबाइल फोन है सबके मोबाइल फोन में कैमरा है मनोज के तो खास करके <laughs> क्या क्या नहीं कर, कर लिया है क्या क्या तीर मारे मनोज ने अपने कैमरा फोन के साथ है ना मनोज <laughs> तो वी आर इन अ विजुअल एरा सब कुछ पिक्टोग्राफिक हो गया है विथ पिक्चर्स विजुअल्स बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं ए फॉर एप्पल के पास में एप्पल की फ़ोटो दिखाई yes. जाती है अब तो और भी हो गया है अब तो कई स्कूलों में आई uh, ही होते हैं और सब विजुअल बेस्ड होता है um, अब भी तो चाहे आप देखो इंस्टाग्राम देखो uh, जो कि अंकिता जी फिलहाल अभी देख रही हैं देखो एवरीबडी इज़ ऑन एंड माइल्डली अडिक्टेड आई टू इंस्टाग्राम सबको वो विजुअल का वो चस्का है। आप डांट खा रहे हो मम्मी की अभी आप फेस टाइम पे खाते हो <laughs> आप फ्लर्ट करते हो गर्लफ्रेंड के साथ वो भी आप स्नैपचैट पे करते हो तो आई थिंक वी आर नाउ इन ऑफ विजुअल्स एंड दैट्स व्हाट आर शो इज बेस्ड ऑन विजुअल्स सो आई फील इस तरीके से इट इज़ न्यू एज द न्यू एज क्विज शो और यही अनोखी बात हमारे शो के बारे में जैसा हमने न्यू नॉर्मल को adapt किया सो न्यू एज अनोखा क्विज शो अगला सवाल है विजय का फ्रॉम ई टाइम्स आपके फैमिली और फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था जब स्पेशली दीपिका जब हाँ. उन्हें पता चला कि आप एक टेलीविजन शो होस्ट करने वाले हैं uh, दीपिका के पास हम हमेशा मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है जो मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ रिसीव करता हूँ um, वो उनको मैंने अपने मॉक सेशंस दिखाए उनके कुछ टिप्स थे बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए उन्होंने पॉइंट्स uh, को मैंने नोट किया एम्बाइब किया एंड रियली ग्रेटफुल कि आई हैव सच अ शार्प माइंड एज़ अ पार्टनर वो मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देके मेरा काम बेटर ही कर सकती है आई हैव हर एज अ क्रिएटिव बाउंसिंग बोर्ड अक्सर काम को लेके हमारी डीप डिस्कशंस होती हैं उनके काम को लेके मेरे काम को लेके आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव समबडी विद सच अ ग्रेट इनसाइट इनटू द आर्ट्स इनटू परफॉर्मेंस इनटू टू दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यू नो तो उन्होंने uh, कुछ टिप्स दिए हैं जो आई एम वर्किंग ऑन देम एंड होपफुली विथ हर love, support, uh, I'll be able to do the best job and be the best host. We've already saw a glimpse of it, and हम दीपिका के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें आपको encourage किया ये show करने के लिए और tips दी हैं तो you know for giving India one of the finest, superstar entertainer anchor. She's absolutely agreeing. So, अगला सवाल है हिमेश uh, का from Pink Villa. Television एक बहुत powerful माध्यम है क्या uh, क्या आप इस बात से सहमत है कि टेलीविजन एक ब्रांड एक एक्टर या डायरेक्टर को और भी बड़ा बनाने में मदद करता है और देश के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद करता है हम्म, जाहिर सी बात है आई एम श्योर ये होता ही होगा टेलीविजन इज अ वेरी पावरफुल मीडियम वेरी ऑल टू कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट मतलब आई डोंट थिंक इस दुनिया में टेलीविजन टेलीविज़न इतना पावरफुल मीडियम है जो आपकी पिक्चरें भी नहीं देखते वो आपको टीवी पर देखते हैं टीवी पर एक्सपीरियंस करते हैं मुझे ही देख लो मैं बचपन से मतलब टीवी देखते आया हूँ जो भी सीखा जो भी जाना हो टीवी से जाना इडियट बॉक्स देख के मैं खुद इडियट बन गया मतलब इन अ गुड वे वो थ्री इडियट्स टाइप का इडियट वैसे वाला इडियट नहीं आ, पर आई मीन टेलीविज़न इज़ इज़ इट यू नो इट इज़ Uh, got the maximum amount of reach, like you said. i am very grateful. Uh, in this way, uh, i can um, get an opportunity to entertain that many more people across the country. Uh, so i understand the power of television, and i'm all too grateful to have this platform and this opportunity. we're looking forward to it. and igari justinka from pti, uh, पिछले डेढ़ साल से सिनेमाघर बंद हैं, uh, सारा कुछ एंटरटेनमेंट कंजम्पशन जो है वो टेलीविजन और ओ टी को शिफ्ट हुआ है hmm. तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या आपने टेलीविजन में डेब्यू करने का फैसला लिया yeah. नहीं जी हाँ मुश्किल दौर रहा है आ, फिल्म वालों के लिए थिएटर बंद पड़े हैं इतने लंबे अर्जे से द गुड न्यूज की थिएटर खुल रहे हैं Yes, दिवाली को सूर्यवंशी आ रही है यस yes, जिसमें आपका सिम्बा दिखेगा आपको मिलेगा थिएटर्स में दोबारा क्रिसमस में 83, थ्री महाशिवरात्रि पे जयेश भाई जोरदार वेरी एक्साइटेड कि थिएटर्स फिर से खुल गए वेरी ग्रेटफुल एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमारे फिल्म वाले जिनके लिए इतना मुश्किल दौर रहा है Uh, producers, ke le, exhibitors, ke le, distributors, ke le, anybody and everyone collected and employed within show business, the film industry has seen a very difficult time along with pretty much everybody else in the world. I mean, it's been a very, very difficult time for us all, but things are looking up. Um, per this decision, I don't think it had anything to do with the fact that. फिल्में लग नहीं रही थी या कुछ वो तो मेरी फिल्में मैं शूट कर रहा था लॉकडाउन वन और टू के बीच में सर्कस भी शूट किया मैंने निर्ोहित शेट्टी साहब के साथ तो वो काम चल रहा था बट दिस वुड आई वुड से इज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन इज नॉट बिकॉज वो काम नहीं चल रहा है तो ये काम कर लेते हैं दिस वॉज अ वेरी क्लियर डिसीजन बेस्ड ऑन द फॉर्मैट विच एक्साइटेड मी द टीम विच एक्साइटेड मी एंड आई थिंक वाई वॉन्ट टू समथिंग गुड सो सोफा सो गुड इट्स बिन अ ग्रेट

मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है राइटरों के लिए अच्छी बात है एक्टर्स के लिए अच्छी बात है और मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड जी हाँ एंटरटेनमेंट कंजम्पशन की जो स्ट्रक्चर है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो प्री कोविड हुआ करती थी शायद अब थोड़ी बदलेगी नक्शा बदलेगा ओ भी है जनरल एंटरटेनमेंट टेलीविजन भी है फिल्में भी है बट आई थिंक दे कैन ऑल को एग्जिस्ट एंड अल्टीमेटली अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अच्छा करेंगे हमने फिल्मों में आपका यू नो मैडनेस देखा है जिस तरीके से आप डिलीवर करते हैं हर किरदार को बखूबी निभाते हैं वहां पर स्क्रिप्ट होती हैं टेलीविजन पर यहाँ पर हमें द रियल यू द रियल मैड यू द दस यू द डिफरेंट अवतार वाले रणवीर सिंह देखने मिलने वाले हैं 16 अक्टूबर से हर mm -hmm. शनिवार और रविवार रात आठ बजे ओनली ऑन कलर्स इट्स जूस प्रजेंस द बिग पिक्चर एक अनोखा क्विज शो जिसके होस्ट होंगे ना देन रणवीर सिंह एंड विद दैट आई एम श्योर वेटिंग फॉर पिक्चर परफेक्ट मोमेंट टू कैप्चर द मोमेंट यहाँ पर है यार दिस इज़ द बिग डे दस दिन में सोलह तारीख को यू नो ऑन एयर इसके पहले लेट्स कैप्चर द मोमेंट रणवीर है लेट्स आल्सो कॉल कैन बी सेटअप फॉर द फोटो ऑफ प्लीज अच्छा सेटअप है ये चकाचा होके आता हूँ थोड़ा चेक करने का क्या बोलता है मनोज